हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स पी आई बी प्लस हिंदू एनालिसिस 21 अक्टूबर 2017 ब्रॉट टू यू बाय मी केतन गर्ग। ठीक है, तो नोट्स बनाने की चिंता नहीं करनी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स आपको अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स रिलेटेड जो क्विज क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए। अभी तक जो प्रीलिम्स रिलेटेड क्विज क्वेश्चंस पे हमने वीडियोज़ और सोल्यूशंस डिस्कस किए हैं, उसके लिए आपको जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स में GS3 डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट पोल्यूशन लिंक्ड डेथ अकर इन इंडिया। ठीक है, तो दिवाली का दौर चल रहा है, तो पोल्यूशन की बातें उठती उठती हैं इस टाइम पे दिवाली के सीज़न में। तो अभी एक लैंसेट कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने कुछ बातें डिस्कस की हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, इंडिया में क्या सिचुएशन है, तो वो देख लेते हैं। नियरली अ क्वार्टर ऑफ ऑल फैटलिटीज़ इन 2015 वर इन कंट्री स्टडी। ठीक है, तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि स्टडी ने क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले तो इनका ये कहना है कि पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल कॉज ऑफ प्री मेच्योर डेथ्स अकॉर्डिंग टू लैंसेट स्टडी। जो प्री मेच्योर डेथ्स हो जाती हैं, ठीक है, जो एक नेचुरल डेथ नहीं होती है आपकी, ठीक है, वो पोल्यूशन की वजह से मेनली हो रही है। इन एब्सोल्यूट नंबर्स इंडिया सरपास्ड ऑल कंट्रीज इन सच डेथ्स इन 2015। तो इंडिया जो है सबसे लीड कर रहा है सारी कंट्रीज़ को इस चीज़ में, जो ये प्री मेच्योर डेथ्स हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इसमें इंडिया लीड कर रहा है। अगर हम देखें तो ग्लोबली कुछ 9 मिलियन लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, जो प्री मेच्योर डेथ्स हुई है। ठीक है, इंडिया में वो कुछ 2.5 मिलियन है और चाइना में 1.6% है। तो अगर हम देखें जो टोटल प्री मेच्योर डेथ्स होती हैं इंडिया में, और उसमें से 2.5 मिलियन जो पोल्यूशन की वजह से होती है, जो आपका बनता है 25% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया। ठीक है, तो जितनी प्री मेच्योर डेथ्स होती हैं उसमें से 25% डेथ्स पोल्यूशन की वजह से होती है। ठीक है, और क्या पॉइंटर्स हैं, नियरली 92% ऑफ सच डेथ्स अकर्ड इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़। ठीक है, तो जो ये पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हमने देखा कि ग्लोबली 9 मिलियन होती हैं, तो इन 9 मिलियन में से 92% जो पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स होती हैं वो मिडल इनकम और लो इनकम कंट्रीज़ में होती हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में, अफ्रीका जैसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ठीक है ना, अक्रॉस नेशन पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीजेस प्रिवेलेंट अमंग माइनॉरिटीज मार्जिनलाइज्ड। और इन लो इनकम और मिडल इनकम कंट्रीज़ में भी कौन लोग जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, वो होते हैं माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग, पुअर पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उससे इफेक्ट होते हैं। चिल्ड्रन एट आर एट हाई रिस्क ऑफ पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेज, और जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो द लैंसेट कमीशन ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ इज़ अ 2 ईयर प्रोजेक्ट, 2 साल का प्रोजेक्ट लगाते हैं ये, दैट इन्वॉल्व्ड ओवर 40 इंटरनेशनल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल ऑथर्स। एयर पोल्यूशन द लीडिंग कॉज। ठीक है, तो अब पोल्यूशन में आपका एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डेथ का जो रीज़न रहा है वो आपका एयर पोल्यूशन रहा है। इट किल्ड अराउंड 6.5 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आप देखें ग्लोबली 9 मिलियन लोग हमने देखा कि मरे, तो उसमें से 6.5 मिलियन लोग तो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मर गए। इंडिया एंड बांग्लादेश रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन पोल्यूशन रिलेटेड डेथ अमंग द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज फॉर द ईयर। इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा डेथ इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ ये पोल्यूशन। वाइल्ड डेथ्स फ्रॉम हाउस होल्ड एयर पोल्यूटेड बाय सॉइल फ्यूल्स केम अ क्लोज सेकेंड एट 0.97 मिलियन। अगर अब आप देखें इंडिया में हम जो कंटिन्यूसली कहते रहते हैं कि इनसाइड पॉपुलेशन इंडोर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंडोर पोल्यूशन का रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्लीन फ्यूल नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, अभी भी काफ़ी घरों में जो फैमिलीज़ हैं, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग में आपका क्या होता है, वहाँ पर आपको LPG गैस नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कुकिंग के लिए, काउ डंग या वुड का वो यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, जिसकी वजह से ही सरकार ने जो अपनी स्कीम शुरू करी थी उज्ज्वला स्कीम, जिसमें वो फ्री LPG कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे थे BPL फैमिलीज़ को, उसका रीज़न यही था। और अगर हम देखें तो इस ही इंडोर पोल्यूशन की वजह से ही कुछ 0.97 मिलियन डेथ्स होती हैं इंडिया में। 500,000 डेथ्स वर कॉज बाय अनसेफ वाटर सोर्सेज। 500,000 डेथ्स अगर हम देखें, 500,000 आपका नियरली अबाउट 5 लाख डेथ्स जो इंडिया में होती हैं वो वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। वाटर पोल्यूशन की वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा डिजीजेज होते हैं, लाइक डायरिया जो मेजर रीज़न है बच्चों की डेथ्स का। वाइल अनसेफ सैनिटेशन वॉज बिहाइंड 0.32 मिलियन डेथ्स। अब अनसेफ सैनिटेशन एक मेजर रीज़न है, क्योंकि अनसेफ सैनिटेशन जो होता है, आप आउटडोर सैनिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में आप सैनिटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक मेजर रीज़न बन जाता है फर्दर डिजीजेस का, जो फर्दर लीड करता है आपको डेथ्स की तरफ। तो 0.32 मिलियन डेथ्स हुई हैं अनसेफ सैनिटेशन की वजह से, और इसी वजह से इंडिया जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है वो कैंपेन हम चला रहे हैं।
डेथ्स लिंक टू एयर पोल्यूशन वर अ रिजल्ट ऑफ हार्ट डिजीजेज हो जाते हैं, स्ट्रोक, लंग कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी डिजीजेस. तो ये सारे एयर पोल्यूशन की वजह से, इन डिजीजेस की वजह से मेनली जो डेथ्स होती हैं वो नज़र आई हैं. अब दिवाली सेलिब्रेट हुई है तो दिवाली में हमेशा दिल्ली के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है. पूरे इंडिया में अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा दिवाली में कंसर्न रहता है तो वो दिल्ली के ऊपर रहता है. तो दिल्ली में ही अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कुछ 10 दिन पहले क्रैकर्स की सेल को भी बैन कर दिया था कि वो सिचुएशन को अवॉइड कर सके, क्योंकि पिछले साल की दिवाली में, 2016 की दिवाली में ऐसी एडवर्स सिचुएशन हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था दिल्ली में. तो अब क्या सिचुएशन है इस साल की दिवाली के बाद? अ डे आफ्टर दिल्ली ब्रेथ्स व्हाट इट बर्नट. अभी भी इस साल भी काफ़ी सिवियर एयर क्वालिटी है, ठीक है. और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स की सेल पर बैन ना लगाया होता तो ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती. तो अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल एक्टिविज़म की तरह चल रहा है, ये एक एग्जीक्यूटिव रोल था जो सुप्रीम कोर्ट ने प्ले किया है, और सुप्रीम कोर्ट को एकदम से 10 दिन पहले ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इट एक्स्ट्रा. तो अब अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस बैन ने काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प किया है. अभी भी इतना सीवियर एयर क्वालिटी है, अगर बैन ना करते तो कितना सीवियर हो सकता था वो आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है. तो सिचुएशन लास्ट ईयर क्या थी? द सीवियर स्मॉग विच बिल्ट अप इन द डेज लीडिंग टू दिवाली लास्ट ईयर ट्रिगर्ड अ डायरेक्टिव बाय सुप्रीम कोर्ट. बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई थी. अराउंड 402 जो आपका स्टैंडर्ड स्केल है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो 500 है टू द मैक्सिमम. अराउंड 402 से ऊपर वो चला गया था, तो काफ़ी सिवियर कंडीशन हो गई थी. तो सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टिव्स उस टाइम पर देने पड़े थे, जैसे कि टू इंप्लीमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन मैनेजमेंट प्लान. अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्लान वॉज दैट ओवर द लास्ट वीक द बद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन वॉज शट डाउन, डीजल जनरेटर्स इन दिल्ली वर बैंड, ब्रिक किलिंग्स That did not employ the latest technology were clamped. और अगर हम देखें वो जो odd even formula जो दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई थी वो भी इसी का एक रिजल्ट था, जो पिछले साल की दिवाली के बाद जो सिचुएशन हो गई थी, काफ़ी सिवियर सिचुएशन हो गई थी. इस साल क्या सिचुएशन है, इस साल की क्या सिचुएशन रही? तो इस साल भी अगर हम देखें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसने रजिस्टर किया 402 स्केल, अपर मोस्ट लिमिट जैसे मैंने आपको बताया कि 500 है. अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम 14 मॉनिटरिंग स्टेशन इन दिल्ली, ये अपने पास डेटा आता है, ठीक है, दिवाली के बाद इस साल की. अब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनका कहना है कि जो मॉइस्चर लेवल है दिल्ली में वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे नेक्स्ट डे दिवाली के, ठीक है. और रेन बियरिंग डिप्रेशन, हमने कल भी डिस्कस किया था कि बे ऑफ बंगाल में रेन बियरिंग डिप्रेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से जो विंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, वो विंड्स नहीं चल रही हैं, ठीक है, हवाएं नहीं चल रही हैं, हवा बहुत ज़्यादा लो है. अगर आपकी विंड्स कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती हैं तो वो आपके पोल्यूशन को क्लियर करती रहती हैं, ठीक है, लेकिन विंड्स स्टॉल्ड हैं जिसकी वजह से डिस्पर्सल नहीं हो पा रहा है पोल्यूटेंट्स का. पोल्यूटेंट्स जहाँ पर हैं वो वहीं पर रह पा रहे हैं, हवा चलती तो उन पोल्यूटेंट्स को वो बहाकर अपने साथ ले जाती हैं, ठीक है. तो एक ये आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी. कंसंट्रेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ पोल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर बोथ आपका 10 और 2.5, ठीक है, उन्होंने इस साल में फॉल दिखाया, कम हुआ है वो पोल्यूटेंट एक्सेप्ट फॉर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है. एयर क्वालिटी दिस ईयर वॉज स्लाइटली बेटर देन लास्ट टाइम, ठीक है. अभी हमने पहले भी देखा कि एयर क्वालिटी जो इस साल की है वो पिछले साल से काफ़ी बेटर हुई है. इवन दो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन सच एज एवरेज विंड स्पीड एंड मिक्सिंग हाइट्स वर ऑलमोस्ट एज अनफेवरेबल एज लास्ट ईयर, ठीक है. जो विंड कंडीशन इस साल हैं, जो मिक्सिंग कंडीशन इस साल हैं, वो पिछले साल भी वैसी ही थी, पिछले साल भी ऐसी ही खराब थी, लेकिन इस बार जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूवड है. उसके पीछे जो रीजंस है वही सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया और जो गवर्नमेंट ने दूसरे मेजर्स लिए. लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ आप क्रैकर्स को नहीं कह सकते कि इसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में पोल्यूशन होने के और भी बहुत ज़्यादा कारण हैं, वो इसमें डिस्कस किए गए हैं. तो और क्या कारण है जो पोल्यूशन को दिल्ली में इतना सिवियर बना रहे हैं? द म्यूनिसिपैलिटीज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू पोल्यूशन कॉज्ड बाय ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट, ठीक है. एक तो आपका जो रीज़न है वो ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट जो हो रहा है दिल्ली में, वो आपका एक मेजर रीज़न है जो पोल्यूशन बढ़ा रहा है. इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट होता है वो डस्ट रिलीज करता है, और वो डस्ट मेजर रीज़न होता है आपका पोल्यूशन का, ठीक है. तो सेकेंड रीज़न आपका ये है.
अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब ये मैं नहीं कह रहा या द हिंदू नहीं कह रहा, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है, एक सरकारी बॉडी बॉडी कह रही है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी कह रही है कि ओपन वेस्ट बर्निंग कॉन्ट्रीब्यूट्स 18% ऑफ डायरेक्ट पर्टिकुलेट मैटर टू द एयर इन दिल्ली। ठीक है, तो अगर ये द हिंदू वाले कह रहे होते या मैं कह रहा होता तो आप कहते कि नहीं यार ये तो ऐसे ही मतलब बोल रहे हैं, लेकिन ये एक सेंट्रल बॉडी कह रही है तो आप ये डायरेक्टली डाटा यूज़ कर सकते हो अपना कहीं पे भी आंसर में। ठीक है ना, तो ये आपका तीसरा कंसर्न हो गया। उसके बाद एनवायरमेंटलिस्ट से दीज 3 मंथ्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर आर क्रूशियल बिकॉज इट असर्टन्स द क्वालिटी ऑफ एयर फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। अब लोगों का ये कहना है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगस्त से अक्टूबर तक लेकर, नवंबर से आपकी सर्दियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, विंटर्स नॉर्थ इंडिया में आपकी नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में विंटर्स के आने से पहले के जो 3 महीने होते हैं अगस्त सेप्टेम्बर और अक्टूबर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और यही 3 महीने आपका डिसाइड करते हैं, यही 3 महीने आपका एसर्टन करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एयर क्या रहेगी बाकी के पूरे विंटर सीजन में। ठीक है ना, द मॉइस्चर एंड हैवीनेस इन द एटमॉस्फेयर आर आफ्टर नवंबर डज नॉट अलाउ डस्ट एंड पोल्यूशन पार्टिकल्स टू बी ब्लोन अवे कॉजिंग एयर क्वालिटी टू वर्सन। अब नवंबर से आपका क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हैवी हो जाता है एनवायरनमेंट, और जो विंड ब्लो होती है वो आपकी होती नहीं है, बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन आपका इकट्ठा होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स आपके, जो डस्ट आपके इकट्ठा होता है, वो विंड उसको ब्लो नहीं कर पाती और वो वहीं का वहीं रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है। ठीक है, अब सरकार को क्या चाहिए, द गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल प्लान। अब हमने देखा कि 18% तो सिर्फ वेस्ट बर्निंग की वजह से पोल्यूशन जो है दिल्ली में बढ़ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है कि प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट सेग्रीगेशन प्लान लेके आए, डिस्पोजल प्लान लेके आए। ठीक है ना, जिससे जो गार्बेज बर्निंग है, जो अननेसेसरीली और अनसाइंटिफिकली जिस गार्बेज को बर्न किया जा रहा है उसको हम खत्म कर सकें। अब ये तो था द हिंदू का पॉइंट ऑफ व्यू, अब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रही, ठीक है ना, तो न्यूज़पेपर जनरली ऐसा दिखा देते हैं कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है हमें वो स्टेप्स भी पता होने चाहिए अगर हमें अपने मेन्स के आंसर में लिखना है। मेजर्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर रीजन, वो क्या मेजर्स हैं, दिस इंक्लूड कंट्रोल एंड मिटिगेशन मेजर्स रिलेटेड टू व्हीकुलर इमिशन। ठीक है, व्हीकुलर इमिशन के लिए हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, BS3 व्हीकल्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया था, उन्होंने कहा था कि BS4 से नीचे का कोई व्हीकल जो है नया वो सेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मेजर था जो व्हीकुलर इमिशन को रिड्यूस करने के लिए बात की जा रही थी, और सरकार कह रही है कि हम 2019 तक 2020 तक हम BS6 नॉर्म्स लेकर आएंगे गाड़ियों में, कार्स में हम BS6 नॉर्म्स लेकर आएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट मेजर होगा व्हीकुलर एमिशंस को लेकर। अभी कुछ टाइम पहले 2 साल पहले NGT ने कह दिया था कि 15 साल पुरानी जो डीजल कार्स हैं NCR रीजन में उनको परमिशन नहीं दी जाएगी फर्दर कि वो रोड यूज कर सकें। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है या गवर्नमेंट बॉडीज जो ले रही हैं टू इम्प्रूव द व्हीकुलर एमिशंस, रीसस्पेंशन ऑफ रोड डस्ट एंड अदर फ्यूजिटिव एमिशंस। अब वन ऑफ द मेजर रीजन क्या होता है, जो रोड डस्ट है वो आपका मेजर रीजन है दिल्ली में पोल्यूशन का, तो उस रोड डस्ट को क्लियर करने की बातें सरकार कर रही है। बायोमास म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग, इसको कैसे साइंटिफिक तरीके से किया जाए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को साइंटिफिक तरीके से कम करने की बातें हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन कॉन्टिन्यूस 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेज बाय मेजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एक 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइस दे दी जाएगी मेजर इंडस्ट्रीज को देखने के लिए कि क्या पोल्यूशन लेवल है और कितना पोल्यूशन लेवल जो एयर में रिलीज हो रहा है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग क्लोजली विद स्टेट गवर्नमेंट्स, CPCB आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनके साथ भी सरकार मिलकर काम कर रही है फॉर बेटरिंग द एनवायरमेंट। गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एक सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को नोटिफाई किया है फॉर कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही आपका जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव 42-पॉइंट एक्शन प्लान रिलीज़ किया है टू मिटिगेट एयर पोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार प्रॉपर प्लान्स बना रही है इन ऑर्डर टू इन्वॉल्व पीपल इन द एफर्ट। अब पीपल पार्टिसिपेशन कैसे करानी है सरकार को वो भी देखना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इस बार दिवाली से पहले हरित दिवाली एंड स्वस्थ दिवाली, जिसमें ग्रीन दिवाली के लिए लोगों को प्रमोट किया गया था सेलिब्रेट करने के लिए, इन्वॉल्विंग ओवर 2000 स्कूल्स इन दिल्ली एंड ओवर 2 लाख स्कूल्स इन द कंट्री। अभी जो पोल्यूशन जैसी चीज़ होती है ना, जैसे क्रैकर बर्निंग है, इसमें आप जो बड़े लोग होते हैं उनको इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं कर पाते हो, बच्चों को जितना ज़्यादा आप अवेयर करोगे बच्चे अपने पेरेंट्स को प्रोवोक करेंगे फर्दर कि नहीं पापा हमें पटाखे नहीं चलाने और आप भी नहीं चलाओगे।
तो वो सुनेंगे। अगर सरकार जाकर उन्हें सीधा कहे तो वो शायद ना सुने। इसीलिए बच्चों को हर चीज में अवेयर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो, क्योंकि बच्चों के पास वो पावर होती है कि वो फर्दर उस अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ मिनी मैराथन, एक गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसकी थीम थी स्वच्छ हवा फॉर स्वच्छ एंड स्वस्थ भारत। तो ये सारे जो लोगों से जुड़ने के लिए सरकार ने मेजर्स उठाए हैं, जिससे उनको अवेयर करने की कोशिश की जा रही है कि आपके बेनिफिट के लिए, आपकी हेल्थ बेनिफिट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, आप वो स्टेप्स लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर क्लीनर घाट्स गंगा एट वाराणसी टू बी पॉल्यूशन फ्री टू। अब सरकार ने एक साल पहले आज से वाराणसी के जितने घाट्स थे उनको क्लीन करने की बात की गई की थी। अब गंगा नदी जो वाराणसी में है उसको क्लीन करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो सीवेज मैनेजमेंट को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अभी वाराणसी में करंटली अगर आप देखें तो एस्टिमेटेडली 300 MLD ऑफ सीवेज जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये इंक्रीज कर जाएगा अप टू 390 MLD बाई 2030। ठीक है, तो अभी करंटली जो तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ठीक है, और उनकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 102 MLD की है, और बाकी का जो 300 MLD में से 102 MLD आपका ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू हो जाता है, बाकी का जो बचा 198 MLD वो सीधे का सीधा फ्लो करता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट टू रिवर गंगा, जो मेजर रीज़न है गंगा के पोल्यूशन पोल्यूटेड होने का। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए 140 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एट दीनापुर एंड 120 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एट गोयथा वाराणसी में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी असिस्टेड प्रोजेक्ट एंड JNNURM स्कीम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनके अंडर ये जो कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात की जा रही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, उनको एक्शन में लिया जाएगा। दीज प्रोजेक्ट्स आर एट एडवांस स्टेज और इनके ख़त्म होने का जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो मार्च 2018 यानी अगले साल मार्च तक लगाया जा रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा सरकार क्या करेगी कि ये तो चलो भैया जो नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने की बात हो गई, इसके अलावा सरकार करेगी हाइब्रिड एन्यूटी बेस्ड PPP मॉडल पे हम बनाएंगे। ठीक है, PPP जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे अराउंड 50 MLD कैपेसिटी क्रिएट करने की बात की जा रही है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको हम फर्दर जो है इम्प्रूव करेंगे, उनकी जो रिपेयर है जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है, रिहेबिलिटेट किया जाएगा ओल्ड ट्रंक सीवर्स को। ठीक है, रिहेबिलिटेशन ऑफ घाट पंपिंग स्टेशन जो हैं, एग्जिस्टिंग STPs का जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो ये सब जो हेल्प करेगा आपको वाराणसी में गंगा को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ 153 टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो गंगा का वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर पोल्यूशन ये है कि वो है ओपन डेफिकेशन, जो गंगा जिन स्टेट्स से जिन एरियाज से पास कर कर निकलती है उन एरियाज में नियर दी घाट्स ऑफ गंगा वहाँ पर ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस की जाती है। तो ओपन डेफिकेशन को अवॉइड करने के लिए टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी सरकार वहाँ पर। तो इससे क्या होगा, गंगा को वाराणसी में पोल्यूशन फ्री बनाए जाने की जो हमारी कोशिश है वो मार्च 2018 तक पूरी होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल मेजर पोर्ट्स टू गेट LDB सर्विसेज। तो आपकी ये LDB सर्विसेज क्या होती हैं, इट इज़ लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है और ये क्या क्या करता है वो सब अभी हम देख लेते हैं। द लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक सर्विस विल सून बी एक्सटेंडेड टू ऑल मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, जितने आपके 12-13 मेजर पोर्ट्स हैं उनको ये सर्विसेज एक्सटेंड कर दी जाएंगी। द LDB प्रोजेक्ट ग्रेटर ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी इन कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर, जो आपका शिपिंग सेक्टर में जो सारी लॉजिस्टिक्स होते हैं, कौन सा कंटेनर कब आया, कहाँ गया, कहाँ तक पहुँच गया, कौन से ट्रांजिट में है, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, वो सारा जो है आपका लॉजिस्टिक डेटा बैंक ये मेंटेन रखेगा थ्रू दी हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी डिस्कशन चल रही है सरकार के बीच में और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के बीच में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिसोर्सेज ये डिस्कशन चल रही है, और जो आपका ये इंडियन पोर्ट एसोसिएशन है इट इज़ अ एपेक्स बॉडी फॉर इंडियाज मेजर पोर्ट्स अंडर द शिपिंग मिनिस्ट्री सुपरवाइजरी कंट्रोल। अभी तक जो ये LDB प्रोजेक्ट था ये सिर्फ वेस्टर्न लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर को कवर करता था। ठीक है, अब इस LDB प्रोजेक्ट के अंदर है क्या, एज पार्ट ऑफ द LDB प्रोजेक्ट ईच कंटेनर, जो आपके कंटेनर्स आते हैं शिप्स के थ्रू, इज अटैच्ड अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, जिसको आप RFID टैग भी बोलते हैं, एंड ट्रैक्ड
थ्रू RFID रीडर्स। इसमें क्या होता है, हर कंटेनर के ऊपर एक RFID टैग लगा दिया जाता है, और उस RFID टैग के थ्रू आपको पता चलता रहता है कि इंपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को दोनों को हेल्प मिलती रहती है। वो अपना गुड्स देख सकते हैं कि कहाँ पर उनके गुड्स हैं, कैसे ट्रांजिट में हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और LDB प्रोजेक्ट हमें कैसे हेल्प करेगा? द LDB प्रोजेक्ट वॉज अनवील्ड इन जुलाई 2016। जुलाई 2016 में सरकार ने इसको शुरू करने की बात की गई थी एज एन इम्पॉर्टेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव टू बूस्ट द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। तो इसके आप दो बेनिफिट्स देख रहे हैं, एक तो हमने देख लिया कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को हेल्प करेगा, यहाँ पर जो हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करेगा, ठीक है। नंबर तीन ये क्या करेगा, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेगा। इट हेल्प्स रिड्यूस द ओवरऑल लीड टाइम ऑफ कंटेनर मूवमेंट, ठीक है। कंटेनर मूवमेंट का जो टाइम है वो ये इम्प्रूव करेगा। अब क्या होता था पहले, अब कोई आपका फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से कोई कंटेनर आया, उसके ऊपर RFID टैग लगा है, ठीक है। पहले क्या होता था, कोई RFID टैग नहीं होता था, तो जब वो इंडियन पोर्ट पे पहुंचेगा तो उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी, चेकिंग होगी, फिर क्लियरेंस होगी, उसमें कहीं कहीं दिन निकल जाते थे। अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, वहाँ से वो सारा चेक होकर आएगा, उस पर RFID टैग लगा होगा, इंडियन पोर्ट पर पहुँचेगा, यहाँ पर से स्कैनर उस RFID टैग को स्कैन करेगा, और कुछ उसमें चेकिंग वेकिंग या कुछ उसमें फालतू का इंस्पेक्शन नहीं होगा, और उसको क्लियरली जो है वो पास करने दे दिया जाएगा, जिससे आपकी जो मूवमेंट है और जो लीड टाइम है मूवमेंट में वो कम हो जाएगा। तो ये आपका चौथा बेनिफिट हो गया, बिसाइड्स ब्रिंगिंग डाउन ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर कंसाइनीज एंड शिपर्स इनकर, ठीक है। अब अगर ये मूवमेंट इम्प्रूव होगी तो उससे क्या होगा, आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इसका फिफ्थ बेनिफिट हो गया। द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाया गया था इसके लिए, कॉल्ड दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड। ये आपका एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाया गया था इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जॉइंटली ओन्ड बाई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट एंड जापानीज आईटी सर्विसेज मेजर NEC कॉरपोरेशन, ठीक है। तो अपना ये दो के बीच में 50-50 पार्टनरशिप है, दोनों इसको ऑन करते हैं। द LDB सिस्टम हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विथ फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ रेलवेज। अब इसको जो ये LDB सिस्टम है, इसको फर्दर रेलवे सिस्टम के साथ जो है, रेलवे का जो फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके साथ लिंक कर दिया जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, अब आपके पोर्ट्स पे तो सामान अनहिंडर्ड पहुंच गया, ठीक है, उसकी मूवमेंट इजी कर दी, लेकिन फर्दर आपको उसको रेलवेज के थ्रू कंट्री में अलग जगहों पे भेजना है, तो वहाँ पर अगर मूवमेंट हिंडर हो जाएगी तो इसका LDB का क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है रेलवेज का, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी मूवमेंट हेल्प हो जाएगी बाकी की इनर पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉन्च ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई इन भुवनेश्वर, ठीक है। तो अभी एक पाइप नेचुरल गैस भुवनेश्वर में लॉन्च की है कल ही। द कमेंसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस इज इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीज ड्रीम ऑफ डेवलपिंग अ गैस बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। अभी गैस बेस्ड इकोनॉमी को एक डेवलप करने की प्रधानमंत्री ने हमारे बात की थी, लिंकिंग ईस्टर्न इंडिया टू द कंट्रीज नेचुरल गैस ग्रिड थ्रू प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। अभी 6 महीने पहले जब प्रधानमंत्री वाराणसी गए थे तो उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, ठीक है। 2-3 महीने पहले के करंट अफेयर्स में हमने इसे डिस्कस भी किया था डिटेल में, विच विल पास थ्रू 5 स्टेट्स, ठीक है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा बेसिकली है कि आपका एक नेचुरल गैस पाइपलाइन डालने की बात की गई है स्कीम के अंडर, और ये जो गैस पाइपलाइन है ये 5 स्टेट्स में से आपकी होकर निकलेगी, वो है आपकी उत्तर प्रदेश, ये आपको याद होनी चाहिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सीधा सीधा प्री का क्वेश्चन बन जाता है भैया, स्टेट्स पूछ लेंगे, ठीक है ना। द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, 769 किलोमीटर्स जो इस प्रोजेक्ट का जो स्ट्रेच है, जो टोटल स्ट्रेच में से जो 769 किलोमीटर है वो आपका एलोन उड़ीसा से पास करता है, ठीक है। मेन जो एम है इस ऊर्जा गंगा स्कीम का वो क्या है, टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके ईस्टर्न इंडिया की। अभी क्या है, जो हमारी मेनली इंडस्ट्रीज हैं वो कोयले पे डिपेंडेंट है, बिजली पे डिपेंडेंट है, और अगर आप ये वाली स्टेट्स देखें इनमें सबसे ज़्यादा कमी है बिजली की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है इन एरियाज़ में, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इंडस्ट्री नहीं डेवलप कर सकती। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, और एक बार आपके पास नेचुरल गैस का सोर्स आ जाएगा तो आप फर्दर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हो, जो आपकी फर्दर इंडस्ट्री डेवलप करने में हेल्प करेगी, एजुकेशन को ये प्रमोट करेगी, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस स्कीम के फायदे हैं। अब GS2 देख लेते हैं, पोल पैनल इज ऑन एक्सटेंडेड हॉलीडे, फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम कॉल्स इन टू क्वेश्चन पोल पैनल्स एट ऑटोनॉमी। तो अभी इशू क्या चल रहा है, मैं आपको ब्रीफ इसका इशू बता देता हूँ। अभी इस साल जो इलेक्शंस ड्यू हैं आपके दो स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, तो रिसेंटली क्या हुआ, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने
हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी इलेक्शन की। आपका जब इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस कर देता है इलेक्शन की, उसके बाद आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फोर्स में आ जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आने के बाद उस स्टेट की गवर्नमेंट, जिस स्टेट में इलेक्शंस होने हैं, वो कोई स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकती जो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन एक्ट एज कर सकता है फ्रीबीज के, जो वोटर्स को प्रमोट कर प्रवोक कर सकता है कि हाँ वो पर्टिकुलर पार्टी के लिए, पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट करें। तो ऐसी स्कीम्स जो हैं वो नहीं सरकार अनाउंस कर सकती जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अनाउंस हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में तो सरकार ने जो है, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर डेट्स जो हैं डिक्लेयर कर दी, लेकिन ऐसा गुजरात में नहीं किया गया, जबकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की टर्म जो है वो सेम टाइम पर ख़त्म हो रही है। तो ऑपोजिशन पार्टीज़ का क्या कहना है अब वो देख लेते हैं। तो सीनियर कांग्रेस लीडर का ये कहना है कि ईसी विल बी रिकॉल्ड फ्रॉम इट्स एक्सटेंडेड हॉलीडे आफ्टर गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ऑल कंसेशंस एंड फ्रीबीज। तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन पे कि उन्होंने गुजरात में इलेक्शन इसीलिए नहीं अभी अनाउंस किए, क्योंकि अगर वो अनाउंस कर देते तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता तो जो गुजरात गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ पर अभी अपनी स्कीम्स अनाउंस ना कर पाते। ठीक है, तो ओपोजिशन का ये कहना है गुजरात में डेट्स इसीलिए ही नहीं अनाउंस की गई ताकि जो गुजरात गवर्नमेंट है, जो जितने वो कंसेशंस और फ्रीबीज देना चाहते हैं वो अच्छे से दे लें, उसके बाद वो डेट अनाउंस कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको रीज़न बता ही चुका हूँ कि डेट्स अनाउंस करने का क्या रीज़न है। द कांग्रेस आर्ग्यूड दैट एनी डिले इन अनाउंसिंग पोल डेट्स गिव्स द बीजेपी गवर्नमेंट इन गुजरात मोर एल्बो रूम टू अनाउंस सोप्स विदाउट वायलेटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कैसे होगा जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लगा ही नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो तब लगेगा ना जब इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस कर देगा, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर डेट्स अनाउंस नहीं किए। तो इस पर अब इलेक्शन कमीशन ने अपना रिस्पांस दिया है कि भैया हम क्यों नहीं कर रहे हैं वहाँ पर डेट्स अनाउंस। रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेरीज ऑन वाई द इलेक्शन कमीशन डिड नॉट अनाउंस द गुजरात डेट्स, मिस्टर ज्योति जो है आपके अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका ये कहना है कि सेवरल फैक्टर्स वर टेकन इन टू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग द रिलीफ वर्क इन द एरियाज दैट वर हिट बाई द जुलाई फ्लड्स। अब इनका ये कहना है कि जुलाई में देखो भैया फ्लड जाए थे, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी सारा जो है रिलीफ वर्क चल रहा है। अब रिलीफ वर्क चल रहा है, अगर हमने अभी डेट्स अनाउंस कर दी तो सरकार का वो सारा रिलीफ वर्क हट जाएगा, क्योंकि कोई नई स्कीम नहीं अनाउंस कर सकते। तो इस वजह से अभी हमने वहाँ पर जो है डेट्स अनाउंस नहीं कर दी की हैं। ही हैड ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड विद इमीडिएट इफेक्ट वुड हिंडर ऑल गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, गवर्नमेंट वर्क जो स्कीम्स वगैरह हैं, जो सारा गवर्नमेंट फ्रीबीज अनाउंस कर सकती करती है वो नहीं कर सकती अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इसीलिए हम अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि वहाँ पर रिलीफ वर्क चल रहा है बिकॉज ऑफ जुलाई में जो फ्लड आए थे आपके। तो इलेक्शन कमीशन का ये रिस्पॉन्स है। अब इस पे फॉर्मर जो ईसी रह चुके हैं हमारे SY कुरेशी, उन्होंने भी कुछ कहा, उन्होंने भी इस डिले को क्वेश्चन किया है, और उनका ये कहना है कि आई एम क्वाइट सरप्राइज बाय द ईसीज डिसीजन एज द गुजरात असेंबली आल्सो एक्सपायर्स अराउंड द सेम टाइम एज हिमाचल प्रदेश, व्हाई डिडंट दे क्लब इट। तो इन्होंने भी क्वेश्चन किया है इलेक्शन कमीशन के स्टेप को। अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या रिस्पॉन्स रहता है। नेक्स्ट, राजस्थान टू शील्ड पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम प्रॉब्स। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, ठीक है, उसमें क्या है, उनका ये कहना है कि अगर आपको किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चालू करानी है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन तब तक चालू नहीं हो सकती जब तक एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी सेंक्शन नहीं कर देती कि हाँ इस बंदे के लिए आप इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हो। द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन राजस्थान हैज़ प्रोमल्गेटेड एन ऑर्डिनेंस प्रोवाइडिंग फॉर प्रायर सेंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, आपको एक प्रायर सेंक्शन चाहिए होगा, उससे पहले आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, चाहे वो आपके पब्लिक सर्वेंट्स हों, जजेज हों, मैजिस्ट्रेट्स हों, फॉर एक्ट्स डन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। ऐसा नहीं है कि कल को जाके किसी का खून करा है अपनी पर्सनल खुंदस में तो उन पर केस नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के मद्देनज़र अगर उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन का चार्ज लगता है तो वो तब तक इन्वेस्टिगेशन आप चालू नहीं कर सकते जब तक प्रायर सेंक्शन नहीं मिल जाता। द सेंक्शनिंग अथॉरिटी में टेक अप टू 6 months फॉर टेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, तो 6 महीने तक का टाइम ले सकती है वो सेंक्शनिंग अथॉरिटी आपको सेंक्शन प्रोवाइड करने में। The ordinance has virtually shielded public servants from police investigation and gone ahead by restraining the public and media from disclosing the identity of government official until the section is proceeded with the probe is obtained. ठीक है, तो कोई आप उसको, कोई मीडिया उस बंदे को हाईलाइट नहीं कर सकती जिसका नाम सेंक्शनिंग अथॉरिटी के पास गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ना कोई पर्सन उसका नाम पब्लिक में लेके आ सकता है।
जब तक जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सेंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दे। इफ़ द सेंक्शनिंग अथॉरिटी डज नॉट टेक अ डिसीजन विद इन 6 मंथ्स, अभी हमने देखा ना कि 6 महीने में उसको डिसीजन लेना होगा सेंक्शनिंग अथॉरिटी को कि इन्वेस्टिगेशन चालू करानी है कि नहीं करानी। अगर वो 6 महीने में डिसीजन नहीं लेते तो द प्रोसिक्यूशन सेंक्शन वुड बी डीम्ड टू हैव बीन इशूड। ठीक है, अगर 6 महीने में नहीं लेते तो 6 महीने बाद ये समझ लिया जाएगा कि हाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ हो गई है और इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर ऑफिसर के लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। एनी वन फाइंड फाउंड वॉयलेटिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रिंटिंग पब्लिशिंग और पब्लिसाइजिंग नेम फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। अभी हमने यहाँ पे देखा ना, तो जब तक सेंक्शन नहीं मिलता तो मीडिया कुछ उसका मतलब नाम नहीं मीडिया में आना चाहिए, किसी भी न्यूज़पेपर में कोई फोटोग्राफ या कुछ भी जो है वो नहीं ऑफिसर का दिखाना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऑफिसर के अगेंस्ट कोई चार्ज लगता है तो इससे पहले इंक्वायरी हो इन्वेस्टिगेशन हो उसको मीडिया वाले इतना बदनाम करते देते हैं कि अगर वो बेगुनाह भी हो बेचारा तब भी उसको जो है वो क्रिमिनल समझ लिया जाता है। तो कोई फोटोग्राफ नहीं उसकी आ सकती कहीं पर भी, कोई उसका नाम नहीं जब आप छाप सकते किसी अखबार में या किसी भी मैगजीन में, जब तक जो है सेंक्शनिंग अथॉरिटी उसके नाम को सेंक्शन नहीं कर देती, पब्लिक सर्वेंट हो चाहे जजेज हो चाहे मजिस्ट्रेट हो। ठीक है ना, तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसको पनिशमेंट हो सकती है 2 सालों की और फाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंटर पुशेस फॉर कैश फ्री कैंपसेस। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया में अब HRD मिनिस्ट्री का ये एक स्टेप है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम्स टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कम्प्लीटली डिजिटल इन ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जो आपके कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो आप फीस सबमिट करते हो वो सब उन सब चीज़ों को जो है HRD मिनिस्ट्री कम्प्लीटली जो है डिजिटाइज करना चाहती है। द हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स जो आपके UGC हैं या AICTE हैं आर ऑल्सो बींग टेकन ऑन बोर्ड टू हेल्प फैसिलिटेट द ट्रांजिशन। ठीक है, द मूव विल ब्रिंग विद इन द डिजिटल एम्बिट ऑफ ऑल सच इंस्टीट्यूशन, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उसमें आपके IITs भी आ गए, NITs भी आ गए। इवेंचुअली द सेंटर एम्स टू फुली डिजिटाइज ऑल कैंपस प्रोसेस। ठीक है, अल्टीमेट एम क्या है कि कंप्लीट जो मतलब कैंपस जो आपका है वो पूरा डिजिटाइज हो जाए, वहाँ पर आपको कैश यूज़ करना ही ना पड़े, चाहे वो एडमिशन की बात हो, चाहे वो असिस्टेंस की बात हो, असेसमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन हो, कुछ भी हो, वो एक इंटीग्रेटेड IT प्लेटफॉर्म पे उसको क्रिएट कर पूरा वहाँ पर बना दिया जाए। उसके बाद इन एडिशन ही सेड ऑल इन हाउस ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैंटीन्स तक जो है वहाँ पर भी डिजिटाइजेशन कर दी जाए, भीम ऐप का जो यूज़ है वो इंक्रीज कर दिया जाए। अब ये इन लाइन है, सरकार ने एक विसाका स्कीम लॉन्च की थी अभी 6 महीने पहले डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो सेंटर ने ये स्कीम लॉन्च की थी जिसकी आपकी फुल फॉर्म है वित्तीय सशक्त अभियान। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या था, मीनिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन। इस स्कीम में एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाने की सरकार ने बात की थी फॉर डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, एनरोलिंग लैक ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम अमंग स्टूडेंट्स टू ट्रेन फैमिलीज इन देयर नेबरहुड टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन थ्रू द भीम ऐप। ठीक है, तो इसमें सरकार ने मेनली क्या कहा था कि भैया हम वॉलंटियर्स को पकड़ेंगे और वो फैमिलीज़ को फर्दर ट्रेन करेंगे ताकि वो डिजिटल ट्रांजेक्शन जो हैं वो कंडक्ट कर सकें भीम ऐप का प्रयोग करके। जिन लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं करनी आती वो लोग जो हैं वो डिजिटल ट्रांजेक्शन इससे अच्छे से कर सकेंगे। As IS role in Syria wanes, other conflict takes the stage. Next news है हमारे पास। अब सीरिया में अभी हमने recently देखा कि राका को सीरियन फोर्सेज ने जो है वो फ्री कर लिया, लेकिन अभी सीरिया में इतना हम ये नहीं सोच सकते कि IS से फ्री हो गया है तो सीरिया में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। सीरिया में अभी काफ़ी और प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम है अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रोल ऑफ सीरियन रिजाइन। ठीक है, अब इस्लामिक स्टेट जो है उसका तो थ्रेट चलो थोड़ा थोड़ा कम हो गया क्योंकि काफ़ी जगहों से उनको हमने रिसीट कर दिया, बस थोड़ा बहुत एरिया ऐसा रह गया सीरिया में जहाँ पर अभी भी इस्लामिक फोर्सेस की प्रेजेंस है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, द सीरियन गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न इट्स मिलिट्री अटेंशन टू सीरियन रिबेल्स। ठीक है, अब ये सारा फंडा जो शुरू हुआ था सीरिया में, जो सिविल वॉर चल रहा है वो 2011 से हुआ था जब वहाँ की रिजाइम ने सीरियन जो रिबेल्स थे उनके अगेंस्ट जो था अपना मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब ये सीरियन रिबेल्स के अगेंस्ट दोबारा से मिलिट्री अटेंशन करेगी सीरियन गवर्नमेंट, इंटेंसिफाइंग द काइंड ऑफ बॉम्बार्टमेंट दैट हैज़ लेड टू मास सिविलियन कैजुअलिटीज़। जो पहले सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी बिकॉज ऑफ मास बॉम्बार्टमेंट वो दोबारा होने के चांसेस हैं। द गवर्नमेंट ऑफ प्रेजिडेंट बशर अल असद नाउ कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द कंट्री, हैविंग टेकन बैक मच ऑफ द टेरिटरी वंस हेल्ड बाई रिबेल ग्रुप्स हु टुक अप आर्म्स आफ्टर द गवर्नमेंट क्रैक्ड डाउन ऑन प्रोटेस्ट इन 2011। बैक्ड बाय रशिया एंड ईरान मिस्टर असद हैज़ वॉक टू रिकैप्चर ऑल ऑफ सीरिया। ठीक है, सारा सीरिया रिकैप्चर करने की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग राका एंड द एरियाज बियॉन्ड इट
वेयर द कुर्ड्स हैव इस्टेब्लिश्ड अ सेमी ऑटोनोमस रीजन। अब कुर्ड्स ने काफ़ी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने में मदद की, ठीक है, और इस लड़ाई के दौरान उन्होंने इस्लामिक स्टेट को जब वो बाहर निकाल रहे थे तब काफ़ी टेरिटरी में कुर्ड्स ने अपनी जो है इस्टेब्लिशमेंट बना ली। अब जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका, जो बशर अल असद जो प्रेसिडेंट है सीरिया के, उनका कहना है कि मैं तो भैया पूरा सीरिया लेकर रहूँगा। तो अब वो कुर्ड्स के अगेंस्ट जाएंगे और अब वो कुर्ड्स के अगेंस्ट लड़ेंगे जो फर्दर जो है डिस्टेबलाइज करेगा उस रीजन को। और यूएस ने अभी तक कुछ अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो क्या एक्शन रहेगा उसका इस्लामिक फोर्सेस जब पूरी तरह से रिट्रीट कर जाएंगे सीरिया से। दूसरा जो थ्रेट है वो है फ्लिंग जिहादिस्ट का। अब काफ़ी सारे जिहादिस्ट जो हैं, जो राका वगैरह की जो टेरिटरी है जहाँ पे सीरियन फोर्सेस ने अपना कब्जा कर लिया, तो काफ़ी ज़्यादा जिहादिस्ट वहाँ से भाग गए। और भाग कर कहाँ गए, उन्होंने रिमोट एरियाज़ में रेफ्यूज ले लिया है सीरिया के, ठीक है, और वो खुद को रियाम कर रहे हैं डेजर्ट स्मगलर्स के थ्रू। तो उनका अभी ये स्टैंड है कि वो लोन वुल्फ अटैक्स कैरी ऑन करेंगे और अपना जो जिहाद है उसको तैयार रखेंगे और फर्दर जो है वो फाइट करेंगे, तो इससे भी सीरिया में जो है डिस्टेबलाइजेशन फैलेगी। तीसरी जो चीज़ है कुर्ड्स एंड अरब, टू डिफीट इस्लामिक स्टेट माइरियड इंटरनेशनल एंड सीरियन कॉम्बेटेंट्स मैनी ऑफ देम स्वॉन एनिमीज, ठीक है। तो काफ़ी इस्लामिक स्टेट में, इस्लामिक स्टेट को सीरिया में डिफीट करने के लिए काफ़ी जो ग्रुप्स थे जो वैसे एनिमीज थे उन्होंने अपने हैंड्स ज्वाइन किए थे ताकि वो सीरिया को इकट्ठे मिलकर हरा सकें, ठीक है। अब जबकि इस्लामिक स्टेट की लास्ट टेरिटरीज को उन्होंने अपने अंडर ले लिया है, तो अब ये चांसेस हैं कि उन ग्रुप्स के बीच जो पहले टेंशंस थी वो दोबारा से इमर्ज होकर आएंगी। आपके जो कुर्ड्स हैं और अरब्स हैं, इनमें हमेशा से टेंशंस रही हैं, लेकिन इन्होंने इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए अपनी टेंशंस को छोड़कर अपने हैंड्स ज्वाइन किए थे। लेकिन अब जब इस्लामिक स्टेट रिट्रीट कर गई है तो ये चांसेस हैं कि इनके बीच में वो टेंशंस दोबारा से इमर्ज हो जाएंगी जो फर्दर जो है इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। राका वॉज टेकन बाई अ यू एस बैक मिलिशिया मेड अप ऑफ सीरियन कुर्ड्स एंड अरब्स सून आफ्टर सेलिब्रेटिंग कुर्डिश फाइटर्स रेस्ड फ्लैग्स एडॉर्न विद द फेस ऑफ अब्दुल्ला ओकलन अ कुर्डिश मिलिटेंट लीडर मैनी ऑफ राकाज अरब रेजिडेंट्स हु कंसिडर ओकलन टेररिस्ट। देख रहे हो ना कि कुर्ड्स के लिए जो उनका लीडर है वही अरब्स के लिए उनका जो है वो टेररिस्ट है। तो अब जो है यहाँ पर प्रॉब्लम ये अराइज होगी इन लोगों के बीच में, इन दो ग्रुप्स के बीच में, जो इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। अदर बाकी लोगों का अब इस रीजन को थोड़ा सा इस रीजन से डिससेटिस्फाई भी है कि ऐसा नहीं होगा। उनका ये कहना है कि कोई ऐसी टेंशन नहीं है अरब्स और कुर्ड्स के बीच में। द यू एस बैक मिलिशिया सेज इट विल सून हैंड फॉर्मल कंट्रोल ऑफ राका टू अ सिविलियन सिटी, कि भैया हमें, हम अरब्स और कुर्ड्स हम लड़े, हम एज अ मिलिट्री लड़े पावर आईएस के अगेंस्ट, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि ये हमें ज़मीन के लिए चाहिए या हम ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हम अब इसको एक सिविलियन सिटी काउंसिल को दे सौंप देंगे और वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल रेजिडेंट्स में से सेलेक्ट होंगे वो इसको चलाएं। हमें यहाँ पर कोई कब्ज़ा करने की कोई ऐसी आशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जो सीरिया है वो एक फ्लोरल सोसाइटी के उसमें डेवलप करें। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए, आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आप इसमें बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा जैसे ही आप मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स रिलेटेड क्विज की जो प्लेलिस्ट है वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी किस स्टेज पे है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ आप अभी इम्प्रूव अपनी तैयारी में एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक लेकर आ पाओगे, ठीक है। आपको पता चलता रहेगा कि कैसे, क्या और कब। तो लास्ट के एक महीने पर डिपेंडेंट मत रहना कि भाई हम तो एक महीना पहले क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी करेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स का पेपर देने से पहले, जो 3 जून 2018 को आपका प्रीलिम्स का पेपर है, आप कम से कम 10,000 प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करो, तभी आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच।